यूनिट नंबर 3 है हमारा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एक्सरसाइज हम करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है। पहला एमसीक्यू क्या है, क्लासिफिकेशन मींस द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन की जाती है। हाउ दे फीड, हाउ दे रिस्पायर, द फीचर्स दे हैव इन कॉमन। तो क्लासिफिकेशन जो है वो ग्रुप जब भी हम बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उनके अंदर फीचर्स कौन से कॉमन है, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। सेकंड हमारा पास किंगडम प्रोटिस्टा, उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अंदर यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन हमारा ठीक है। थ्री वाला हमारे पास है, वायरसेस जो हैं उनको आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी किंगडम, किसी भी किंगडम के अंदर उनको क्यों नहीं रखा गया, बिकॉज दे टू प्रॉपरली अंडरस्टूड, दे आर टू स्मॉल, दे आर जेनेटिक कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनको ऑर्गेनिज्म नहीं कहा गया था, वो ए सेलुलर बॉडीज होती हैं, उसे सेल के अंदर भी जो है वो नहीं रखा गया, ठीक है, उन्हें ए सेलुलर बॉडीज के अंदर रखा गया है। इस वजह से डी वाला ऑप्शन के दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ वन हमारे पास है, वायरसेज आर असाइन टू द किंगडम, किस किंगडम के अंदर रखे हैं, मोन्ड्रा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई के अंदर, नन ऑफ दी अबव। वायरसेस जो है उन्हें किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया, ठीक है, इसलिए नॉन ऑफ द अबव जो है वो इसका सही ऑप्शन है। फाइव वाला क्या है, अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेस, रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा जो है वो एक क्या होती है, फैमिली, ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें ठीक है। इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई यूनिसेलुलर यू कैरियोर्स, यूनिसेलुलर जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, यू कैरियोर्स जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर यू कैरियोर्स जो है उसको आप किस किंगडम में रखोगे, ठीक है, फंजाई और प्लांटी के अंदर, फंजाई और प्लांटी, प्लांट जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं, फंजाई और मोनरा, मोनरा जो होते हैं वो जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो यू कैरियोर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर हम इसको रखेंगे, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम यूनिसेलुलर यू कैरियोर्स को रखेंगे। इन बायनोमल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट, क्योंकि फंजाई जो है वो मल्टीसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर नहीं होती, कौन सी है जो यूनिसेलुलर भी हो और यूकैरियोट्स भी हो, तो वो हम प्रोटिस्टा के अंदर रखें। सेवन वाला क्या है, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट लेटर ऑफ द डैश नेम इज कैपिटलाइज्ड, पहली चीज़ क्या होती है, जीनस होती है, फिर स्पीशीज होती है, ठीक है। तो जीनस जो है उसका पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल रखा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस शोज द करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे जो छोटा जो होता है वो स्पीशीज होता है, कौन सा आपके ख्याल में ठीक है। आपको मैंने एक शॉर्ट वो भी बताया था, किरण, पीसीओ, एफजी स्कूल, किरण, पीसीओ, नो, एफजी स्कूल, तो हमारे पास ये करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस गोइंग फ्राम द स्मॉलर टू द बिगर, अगर बिगर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो बी वाला ऑप्शन ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्मॉलर से बिगर की तरफ, यानी हम पीछे की तरफ आएंगे। किरण, पी, पीसीओ, सबसे पहले स्पीशीज होती है, फिर जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम और किंगडम। सबसे बड़ा जो है वो क्या होता है, किंगडम होता है, तो ये डी वाला जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आपको पता है कि साइंटिफिक नेम जब हम लिखते हैं हाथ के साथ लिखेंगे, हैंड राइटिंग के साथ, तो उसको अंडरलाइन करते हैं, और अगर आप उसको प्रिंट कर रहे हैं तो वो उसको थोड़ा इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास ये वाला फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस का वो कैपिटल होता है, और सेकंड जो होता है वो स्मॉलर लेटर्स होता है, कैनिस, ल्यूपस, ए वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक है, टेंथ वाला क्या है, सर्टन ऑर्गेनिजम्स इन मल्टीसेलुलर एडाप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड हैज मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, टू विच किंगडम डज इट बिलोंग्स, यानी फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है कि प्लांट्स ही करते हैं, और वो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी उनके होते हैं, तो इसलिए उसको हम किंगडम प्लांटी के अंदर रखेंगे। उसके बाद है स्पीशीज दैट आर इन द सेम डैश आर मोर क्लोजली रिलेटेड दैन स्पीशीज जो के सेम होती हैं, किसमें, फैमिली और जीनस जो है उसके होते हैं वो ज़्यादा रिलेटेड होते हैं।
किसके साथ? जीनस के साथ. When the last member of the particular species dies, the species is said to be extinct, कहते हैं उसको हम. In which season Herbora buster जो है वो पाकिस्तान में आता है, वो आता है विंटर में.